देखिए, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज प्रिंबल की बात करूंगा। अब प्रिंबल में 2017 के तीन सवाल हैं सिविल सर्विसेज के, और बड़े सरल से हैं, सपाट से हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंबल जो है, जो प्रस्तावना है, जो परिचय है संविधान का, इसको पढ़ने के बाद पूरे संविधान को समझना एक प्रकार से संविधान का सार है प्रस्तावना। और प्रस्तावना के तत्व में अगर हम जाते हैं, प्रस्तावना के बिंदुओं में जाए, जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, यह शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में देखेंगे तो लिखा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, उसी तर्ज पर हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड है ना, वर्ड को ध्यान दीजिएगा। अब आपको वर्डिक पे थोड़ा जाना है बेटा। प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसको रट लीजिएगा आप लोग। अभी हम बताते हैं आपको सारी चीज। प्रभुत्व संपन्न, पहले थोड़ा परिचय दे दें, फिर क्वेश्चन में जाएंगे, नहीं तो सीधे क्वेश्चन में, फिर इस पे थोड़ा सा आपको आइडिया। हाँ ठीक है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यही रुक जाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये चार शब्द हैं यहाँ पे। प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य, चार शब्द। इसका एक अलग मायने यहां से पहला शुरू से, फिर आइए इन और इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, रुक जाइए यहीं से, और इनके समस्त नागरिकों, हम भारत के लोग के बाद ये शब्द आ गए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, रुक गए, मतलब समझ लेना। फिर आता है इनके नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय गुड गवर्नेंस है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। क्या समझे? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहां पर रुक जाइए, छह शब्द मिलेंगे। पहला मिलेगा विचार, फिर मिलेगा क्या, अभिव्यक्ति, फिर क्या मिलेगा, धर्म, फिर क्या मिलेगा, विश्वास, उसके बाद फिर मिलेगा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सात शब्द। प्राप्त कराने के लिए, किसको प्राप्त कराने के लिए, नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, एक शब्द और, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता बाद में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखिए, राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने, बढ़ा का वाला बंधुत्व बढ़ाने। इतने शब्द के बाद तब हम कहते हैं संकल्पित, और ये 26 नवंबर को आत्मर्पित करते हैं 1949 इस प्रश्न, ठीक है, 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तीन शब्द है उसमें,
क्या क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1989। इस प्रस्तावना के भाव को जरा समझिए, इस प्रस्तावना की धारा को जरा समझिए। इस धारा में बड़ी सारी अवधारणा, इतनी ज्यादा अवधारणा है कि ये पूरे संविधान का भाव है, सार है और अमूल्य निधि है। प्रस्तावना के इन शब्दों की व्याख्या, एक तो करना, आप एक जटिल व्याख्या, सघन व्याख्या और सामान्य व्याख्या। करना आपका दायित्व है, पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे, आराम से समझ में। ठीक, कुछ शब्दों के मायने अगर कहीं गड़बड़ होते, जैसे बंधुत्व को कहीं भ्रातृत्व लिख देता है, भ्रातृत्व तो घबराइएगा मत, भ्रातृत्व बंधुत्व ही है। बाकी ऐसे शब्दों को कहीं ले नहीं जाता है, इंग्लिश हिंदी में अपना देख लीजिएगा, बट ले नहीं जाता। जब इन शब्दों का पूरा भाव विश्लेषण, इसकी विवेचनात्मक पक्ष आप जान जाते, तो संविधान के पूरे, चूंकि ये शब्द है इसी से पता चल रहा है, बट इसके पूरे भाव, पूरे दर्शन को समझ जाते हैं। संविधान को आप अंगीकृत, स्वयं में अधिनियमित और स्वयं को आत्मर्पित करते। अभी तो ये 26 नवंबर 1949 को ये तीनों बातें लागू हुई थी, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा तभी ये आपके साथ अंगीकृत और आत्मर्पित होगा। और किस तारीख को होगा, वो तारीख आप लिखिए। अब आता है कि अभी इसका डिटेल में क्वेश्चन लेंगे तो जहां पर जरूरत पड़ेगा। प्रस्तावना के अगर तत्व में जाए, जैसे एलिमेंट्स, अगर हम ये कहें कि जो प्रस्तावना है वही भारत के लोगों की शक्ति है, भारत के लोगों से शक्ति खरीदी गई, अधिग्रहित की गई, एक्वायर की गई, बैनामा कराया गया, तब जाकर के प्रस्तावना में इतने भरपूर और भारी भरकम शब्दों का संचय। तो संविधान के अधिकार का स्रोत कहां से है? वह लोगों की शक्ति। भारत की प्रकृति में अगर जाते हैं, भारत की प्रकृति में जाएं तो क्या है? प्रभुत्व संपन्न। इंटरव्यू में आपसे पूछे भारत की प्रकृति बताओ, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति को सोचा समझे। यह भारत की प्रकृति को बताता है। और एक कमाल की बात आपको बताते, हम भारत के लोग से जब शुरू होता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जब हम लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, क्यों नहीं जो नीचे लिखे शब्द हैं उसको ऊपर लाते? तारतम्य को जरा देखिए, जिस देश में प्रभुत्व संपन्नता नहीं होगी, किसी दूसरी बाहरी सत्ता का कोई दबाव नहीं, हम पे हम कोई डोमिनियन नहीं, हम किसी सत्ता से संचालित नहीं होते, प्रभुत्व संपन्न है, स्वयं अंतर्निहित, कॉमनवेल्थ में हम हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम, लेकिन ये प्रभुत्व संपन्न से अलग है। कॉमनवेल्थ का सदस्य होना, संयुक्त राष्ट्र सदस्य होना, अगर कभी साक्षात्कार में पूछे कि आप तो कहते हैं हम प्रभुत्व संपन्न हैं, आप तो कॉमनवेल्थ में हैं, आप तो राष्ट्रमंडल देशों में, आप तो संयुक्त राष्ट्र के देशों में, इसको प्रभुत्व संपन्नता के दायरे से बाहर अपवाद है। जहां हमारे नियम है, हमारी सत्ताएं हैं, न डोमिनियन है, न कहीं से हम जिम्मेदार हैं, न कहीं से हम किसी के प्रति लाइबल हैं, हम लाइबल हैं तो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोक हमारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, हमारा संविधान में हमारा पंथ नहीं, हम सेकुलर हैं, हम सोशलिज्म, और हमारे अंदर
जो हमारी डेमोक्रेसी रिपब्लिक, हमारा राजा रानी नहीं, हमारे यहाँ जनता का वास्तविक और जनता का ही नाम मात्र की सत्ता। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली है, लेकिन इंग्लैंड का राजा रानी हमने नहीं लिया, हमने रिपब्लिक है, हम गणराज्य है। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे। अगर संविधान के उद्देश्य में जाया जाए, ये जो चारों बातें मैंने बताया, ये संविधान, ये भारत की प्रकृति है बच्चा। ये प्रस्तावना में जो चार बातें है ना, ये पूरे भारत का नेचर खोल देती हैं। यही भारत की प्रकृति है, जहां प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यही भारत की प्रकृति। और क्या उद्देश्य है संविधान का, संविधान का क्या उद्देश्य है? ये तो प्रिंबल, ये तो उद्देशिका है ही, लेकिन पूरे संविधान का ही तो चार बिंदुओं में आप समझ लो क्या उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य ही क्या है? न्याय, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, प्रिंबल में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये संविधान का उद्देश्य, भारत की प्रकृति, ये सब मिलेगा आपको प्रिंबल में। जब मैं भाई यही कह रहा हूं ना कि जो संविधान का विस्तार है वही प्रस्तावना सार है, उसी संविधान का सार है प्रस्तावना, तो यार सार उसमें तो रहेगा, सार सार को कही रहे छोटा देव, सार ले लिया है। जो ऊपर की चार चीज बताई वो भारत की प्रकृति बता दी, जो हमने संविधान उद्देश्य ही बता दिया संविधान का, उसमें न्याय बताया, न्याय क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, स्वतंत्रता की बात की, धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं, उपासना की स्वतंत्रता है कि नहीं, समता की बात कही, और बंधुत्व की बात, भातृत्व की बात, ये हो गया उद्देश्य। और संविधान आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने उसको लागू कर दिया कुछ अनुच्छेद, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्णतः लागू कर दिया, क्योंकि आप उसको जानते हैं कि हमने रावी नदी के तट, लाहौर याद होगा, पूर्ण स्वतंत्रता की सौगंध जो लिए थे, उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा वेट करके 26 जनवरी 50 को संविधान, ठीक है। इसमें तीन तरीके की चीजें हैं, एक तो इन शब्दों की व्याख्या, इन शब्दों का पूरा हाव भाव, पूरी व्याख्या जानना होता है। एक अच्छा प्रतियोगी वो है जो संविधान के प्रस्तावना के भीतर संविधान की पूरी आहट आती है उसको, और ये आने में थोड़ा बच्चा टाइम लगता है, संविधान पढ़ेंगे तब आए, इसलिए ये जहां तक आप इसको समझना और चाहें तो ये 13 दिसंबर है ना, जब संविधान सभा की बैठक हुई, नेहरू जी इसके उद्देशिका के अध्यक्ष के तौर पर देखकर पेश की थी, और वहां से लेकर के 22 जनवरी आगे का के बीच इसकी जो अनुमति थी या इसका संदर्भित भाव था, लेकिन इसको संविधान में अपनाया कब गया, संविधान में इसको अपनाया गया सबसे आखिर में ये जोड़ा गया संविधान के साथ, ठीक, उद्देश्य। अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो इसमें दो तीन बातें आपको समझ के चलना, एक तो सभी शब्दों की व्याख्या, अक्षरशतः सभी शब्दों की व्याख्या, ठीक है। अगर आप व्याख्या जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर विकल्प में व्याख्यात्मक कहीं से कोई संदर्भ लेके आए, चाहे रूसी क्रांति से जुड़ा हो, चाहे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के उदारीकरण वगैरह अन्य तरीके की किसी चीज से प्रभावित, उसकी तुलनात्मक संलग्नता इस विषय की गहनता को प्रदर्शित करता, जो हम पढ़ाते हैं तो ये सबका ध्यान। संविधान में क्या संशोधन हुआ, जो ये था वो तो था ही,
एक बार संशोधन हुआ 1946, उसकी पूरी कौन से शब्द लाए गए, वो लाए गए हैं, और उन शब्दों की जो धारणा, जैसे मैंने अखंडता बताया, पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है, ये सब शब्दों का जो उल्लेख है वो वहां से लाया। तो जो हम इन संदर्भों की जो बात कर रहे हैं, इनका उपादेयता बिल्कुल संवैधानिक सुधार के दायरे में समझ। तीसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर, जैसे बेरुवाड़ी केस 1960, केशवानंद भारती 1973, LIC बनाम इंडिया भारत संघ का मुकदमा था 1955, ऐसे तमाम जो केसेस, इसके भीतर की जो सघन, उसका अध्ययन। कितना अध्ययन हो गया? 3 अध्ययन। पहला, शब्दों का विश्लेषण, जितने शब्द हैं, ठीक। दूसरा, आपने संविधान संशोधन क्या हो, बहुत ही कम है, बट उसको स्पष्ट रूप से कैसे पढ़ें, ये आप पढ़ने से पढ़ाने से सोचते हो। तीसरा, कि जो उच्चतम न्यायालय ने कोई कमेंट किया हो, चाहे हिदायतुल्ला साहब कुछ कहे हो, चाहे अंबेडकर जी ने प्रस्तावना के बारे में संविधान के दौरान, बनने के दौरान कोई बात कही हो, नेहरू जी की कोई टिप्पणी रही हो, देश की एकता और अखंडता में अखंडता के जुड़ाव के कारण क्या रहे, क्यों आपने अखंडता शब्द बाद में जोड़ा, ये सब के जो पीछे के रीजनिंग है, कारण है, उन सबको पता कर लेना प्रस्तावना की समूल तैयारी का विषय होगा। लेकिन मैंने देखा कि 1917 और हाँ, एक चीज और समझ सकते हैं कि 1900 जब ये संविधान, इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, बेरुवाड़ी केस में उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्टिकल 368 का प्रावधान लागू करना मुश्किल है, नहीं लागू, क्योंकि प्रशोधन के लिए आर्टिकल 368 है, संविधान के बाहर की चीज के लिए नहीं। कोई भी सारांश को क्या आप हिस्सा मानते हैं? अगर आप सारांश को हिस्सा नहीं मानते हैं, तो सारांश में जो किताब के अन्य भावों के जो संशोधन करने की परिपाटी है उसको उससे नहीं कर सकते। बाद में जब आपने उसको संविधान का भाग मान लिया, संविधान का भाग ही नहीं है, अभिन्न अंग है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? यह संविधान का अंग नहीं, अभिन्न अंग है। 73 केशवानंद भारती वाला। और जब आपने संशोधन किया 1976 में, तो 368 के तहत, क्योंकि जब संविधान का अंग है नहीं, अभिन्न अंग है, तो 368 इंप्लीमेंट हो गया, जोड़ दिया आपने शब्द। तो जब भी पढ़िए, पन्ना देर में पलटिए, लेकिन पूरा पचा के जाइए। ये जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, ज्यादा किताब पढ़ने वाला जो हिसाब किताब है ना, इसको यार थोड़ा दिन रोक दो, सिलेक्शन के बाद ज्यादा किताब पढ़ो, सिलेक्शन से पहले कम पढ़ो, कम पढ़ो, पूरा लिखो। और अभी जैसे हमने सिटीजन चार्टर आपको गवर्नेंस से जोड़ के बताया, अब गवर्नेंस लिखे, सिटीजन चार्टर लिखे, अभी ये बात कहते कहते पौने 200 शब्द हो जाए। अब आप सोचें कि सिटीजन चार्टर में और क्या हुआ था? अरे भाई, और तो जो हुआ था हुआ होगा, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कहां कहां हुआ, करोगे क्या उसको, क्या करोगे बताओ, क्या करना है उसका? 200 शब्द में तो आप वहां उत्तर लिख नहीं पा रहे, मटेरियल ज्यादा पढ़ा जा रहा है। ठीक, जर्नलिस्ट का एग्जाम है, जर्नलिस्ट के तरीके से पेश आइए, स्पेशलिस्ट मत बनिए। 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 2017। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, वैसे हिमांशु जी को मैंने क्वेश्चन का स्लाइड दिया है, अगर वो डाल देंगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं डालेंगे तो मैं यहां से पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, 2017 के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही कई चीज आपको समझ में आएगी।
पहला निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के उद्देश्य में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब उसमें है नहीं, उसमें शामिल नहीं। एक तो देखिए, सुन लीजिए, अभी शब्द सुने होंगे, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। विचार हमने बोला था ना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म बोला था ना, और उपासना वगैरह की स्वतंत्रता बोला था। तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी है, विश्वास की भी है। अगर वो शब्द रटे होते, रट लीजिए, है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर उधर ले चलता हूं, इसी शब्द में कैसे करना है। देखो इसमें बेटा चार सेक्शन बना, प्रस्तावना का चार सेक्शन आपस में बना। पहला सेक्शन बनाओ, हम भारत का लोग डैश डैश प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग को जोड़ दो संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चार को एक लिख, कामा लगा के लिख, चार को। अब आओ दूसरा, भारत के नागरिकों के लिए क्या करना है, उनके विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा लिख लो, ये पांच बातें, उपासना की स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, पांच शब्द। पहले का चार, ये पांच, नौ शब्द। अब तीसरा लिखो, है एक ही लाइन में पर तुम्हारे याद करने को बता रहा हूं, उसमें लिखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बस तीसरे में यही लिखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इधर पांच, उधर चार, नौ, और ये दो जोड़ दो, ग्यारह। अब आओ इधर, प्राप्त कराने के लिए, अब चौथा बना लो, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक में लिखो व्यक्ति की गरिमा, यहां पर ध्यान देना, जब भी सवाल आए नागरिक और व्यक्ति, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा लिखी है, नागरिक की गरिमा नहीं लिखी है, समझ गए। जब व्यक्ति होता है तो नागरिक गैर नागरिक दोनों हो जाते हैं, और जब नागरिक लिखेगा तो केवल नागरिक। तो व्यक्ति की गरिमा, अगर कोई इंग्लैंड का व्यक्ति दिल्ली में आया है तो वो अपनी गरिमा उसका नहीं ठेस पहुंचा सकते, वो भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन चूंकि संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात कही जा रही है, तो इंग्लैंड का, अमेरिका का, इंडिया का, किसी की गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए संविधान में व्यक्ति की गरिमा, ओके, ना कि आप जाएंगे, जैसे आप उसमें जाइए ना, मूल अधिकार, तो कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों को भी मिले और बाकी नागरिकों को मिले हुए, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये चौथे सेक्शन में दो शब्द लिखे, पहले में चार थे, दूसरे में पांच थे, तीसरे में दो थे, तो पांच चार नौ दो ग्यारह, दो ये तेरह, ठीक। और फिर कह रहा है कि सुनिश्चित करने वाला, अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, उसी के साथ बंधुत्व। ये तीन हो गए, चार पांच चार नौ दो ग्यारह तीन चौदह सत्रह। इनको अब एक एक को एलोबरेट करना, अर्थ समझ लिया, क्लियर, संविधान में संशोधन समझ लिया, कौन शब्द जोड़ा गया, क्लियर, उच्चतम न्यायालय का क्या प्रसंग रहा है, क्लियर। अब आने दो क्वेश्चन, क्लियर, ओके, क्लियर करना था। क्यों भाई, अगर मैं कह दूं कि प्रस्तावना सुशासन, प्रस्तावना सुशासन की गरिमा को प्रतिष्ठित करता है टिप्पणी की, प्रशासन गुड गवर्नेंस की इमेज
प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। सुशासन प्रस्तावना सुशासन की प्रतिष्ठा को निरूपित करता है। टिप्पणी की लिख दीजिए, कितने दिन से समझा रहा, जोड़ डालिए अपना दर्शन। तो क्वेश्चन यहां क्या, विचार की स्वतंत्रता लिख चुके होंगे, नहीं लिखे पढ़िएगा, ऐसे कर लीजिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तो तीनों, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक है शब्द, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। देखा, चारों शब्द हैं प्रस्तावना में, यही प्रतफलक हो जाएगा, वन लाइनर है, बट थॉट इसमें क्वेश्चन 2017 में आया। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। लड़का कहेगा यार ये तो सारे शब्द है उसमें, नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय में अंतर है। प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता, सामाजिक स्वतंत्रता की, आर्थिक स्वतंत्रता की या राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता इसमें अलग है, इसलिए गलत है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है, जैसे गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट गुण क्या है, क्योंकि यह प्रशासकों को लोक केंद्रित, लोक कल्याणकारी और संवेदनशील बनाता है। तो लोकतंत्र क्या है, जनता का तंत्र है, तो जनता का तंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है, वह क्रियाशील बनाता है। किसको, देखिए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। दूसरा, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने की पद्धतियों को। लोकतंत्र में लोक प्रबंधित अवधारणा, हमने आपको गुड गवर्नेंस में लोक सशक्तिकरण की बात कही, हमने गवर्नमेंट सशक्तिकरण की बात कभी नहीं की। गवर्नमेंट संविधान में साफ लिखा है कि बहुमत नहीं है तो जो 272 का डेटा जुटा ले वो सरकार हो जाएगा। अब सरकार सशक्त हो ना सशक्त हो, बट ड्यूटी उसकी है पब्लिक को सशक्त। तो यहां पर कह रहा है कार्यपालक नेतृत्व सशक्त बनाने पद्धतियों का, नेवर नो, खारिज करो इसको। नेक्स्ट, गतिशीलता और शुद्ध दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। अरे ये कहा है, एक बेहतर, कोई विशिष्टतावाद चल रहा है यहाँ पर, एक बेहतर व्यक्ति को हटाओ। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, क्या यार, साफ साफ विकल्प बता रहा है कि मेरे भाई कुछ नहीं, इसमें पहला उत्तर है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। ये गांधी का दर्शन है सर, ये गांधी का दर्शन। तो महोदय कृपया आप लोग जो है चीज को फलक पर लाओ, अभी फर्श पे पड़ी है उसको फलक पर लाओ, और फलक से अर्श पे ले जाओ, अर्श से फर्श, जो कहते हैं ना कि जो फलक है उसको उसके ऊपर, अपने ऊपर तैरा, यहाँ पर मत पड़े रहने, थोड़ा उसको उठाओ। कहते हैं ना गर्म हवाएं कहाँ जाती, ऊपर जाती, ठंडी हवाएं जाती, ठंडी हवा ही सुकून दे, तो कृपया गर्म हवा को ऊपर उठो। एक क्वेश्चन हो, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित किसमें झलकता है, झलक दिखला जा किसमें, पूरे संविधान सभा का झलक कहां दिखता है, प्रस्तावना, कहां दिखता है निर्माताओं का मत, प्रस्तावना, लिखता है उद्देशिका वही प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य। अगर मूल अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 तक की बात कर रहे हैं, तो 36 से 51 में भी तो है उनका दर्शन, गांधी का दर्शन 40 में नहीं है।
जिस महिलाओं की बात आपने साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की बात की, जाके चले जाइए आर्टिकल 39 के नीति निर्देशक पत्र में, वहां स्त्री पुरुष के बीच में ये जो समानता की भाव है, दोनों अगर डीएम होंगे सैलरी बराबर मिलेगी नहीं, स्त्रियों के कारण उसको कम देंगे। और यहाँ पर आप देखिए मूल अधिकार में एक अंगी एक छोटे से पक्ष की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व में बात कर रहे हैं, आप उद्देशिका कहते हैं तो पूरे संविधान की बात करते हैं। इसलिए संविधान सभा के निर्माताओं का मत पूरे संविधान में है और पूरा संविधान प्रस्तावना में है, इसलिए उनका मत प्रस्तावना के भीतर। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 3 सालों से, और ये माइक लगाना मैं भूल गया, निकाल तो दिया था भूल गया, आवाज हो सकता है आपको कम गई हो, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि आवाज चली गई होगी, लेकिन थोड़ा कम गया होगा। और काफी कुछ आप समझ चुके होंगे, इसलिए शब्दों की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट पर उस पर उठाए गए कदम और हुए संविधान संशोधन को समुच्च करिए, कंपैक्ट करिए, प्रस्तावना को समझ गए हैं, और इसको जब हम रेगुलर क्लास में आएंगे तो इस चीज को जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब आपके इस यहाँ पे रखे हुए हैं, बस यहाँ तक ना, हर क्वेश्चन यही रखा होगा, आचमन आपको करना है, और आचमन होगा जो विस्तारित विषय। आज की क्लास को बेटा हम अब विराम देंगे, बात कर चुके हैं कल फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस पर, आप सिटीजनशिप नहीं, अभी तो 1 से 4 के बीच संघ में आए होंगे जो क्वेश्चन, उसकी बात करें, फंडामेंटल राइट बोलते बोलते वहां चले गए, 1 से 4 के बीच और 5 से 11 के बीच जितना ले सकते हैं उसमें कोशिश करेंगे, और कल इसकी चर्चा करेंगे गुड गवर्नेंस के साथ इंडियन पॉलिटिक्स। थैंक यू।